डियर वीवर्स नमस्कार सत श्रीकाल आदाब इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट को बचाने हेतु आज सरकार भी काम कर रही है और बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो पर्यावरण को बचाने के लिए कह रहे हैं लेकिन क्या सभी पर्यावरण प्रेमी हैं क्या सभी इन्वायरमेंट को लव करते हैं तो आज हम आपको पंजाब में डिस्ट्रिक्ट श्री मुक्तसर साहिब यहाँ का एक गांव है फतेहपुर मणिया यहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी सिखों की पहली पातशाही उनके नाम पर एक विद्यक संस्था काम कर रही है वहाँ पर हमने सुना हमारी जो शूटिंग चैनल की शूटिंग टीम है उन्हों को पता चला कि वहाँ पर 80 तरह के पेड़ पौधे हैं आइए अब आप को हम इस संस्था में लेकर चलते हैं और हमारे इस चैनल के जो एंकर हैं वो चेयरमैन साहब से बातचीत करते रहेंगे और बीच बीच में आपको पेड़ पौधे भी दिखाते रहेंगे और उनकी जानकारी भी देते रहेंगे डियर व्यूवर्स जैसे कि हम आज पर्यावरण पे अपनी वीडियो लेके आए हैं तो जो विद्यक संस्था जी पब्लिक स्कूल है इस स्कूल के कमेटी के जो चेयरमैन हैं सरदार प्रताप सिंह संधू वो आज हमें इन पौधों के बारे में बताएंगे उन पौधों की जानकारी देंगे और हम अपने व्यूअर्स से ये बता दें कि थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये पंजाब से हैं इसलिए थोड़ी सी हिंदी बोलने में दिक्कत आ रही है तो हम उनसे कहेंगे कि आप पंजाबी में ही बात कर सकते हैं जैसे आप कंफर्ट फील करते हैं वैसे आप बात कर सकते हैं तो हमारी जो लैंग्वेज है उसमें ध्यान मत दीजिए आप पौधों के बारे में जानकारी लीजिए मेरी भी पंजाबी ज़्यादा है और थोड़ी सी हिंदी कम है इसलिए मेरे से भी शब्द हो जाते हैं कि हिंदी बोलते बोलते हम पंजाबी बोल जाते हैं माफ़ करना डियर व्यूवर्स अब हमारे साथ हैं सरदार प्रताप सिंह संधू सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे धन्यवाद सर हमें ये बताइए कि किसी की हॉबी कोई होती है किसी की कुछ हॉबी होती है लेकिन आपकी ये हॉबी हमें बड़ा अजीब सा लग रहा है कि आपको बहुत अच्छा भी लग रहा है कि आपको ये हॉबी कैसे लगी ਵੰਸਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀਐਨਡੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਪੌਦੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ অতি ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਰਣੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਔਰ ਸਜਾਵਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਇਹ ਪੌਦੇ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ सर ये जो हम दरख्त देख रहे हैं इसके बारे में बताइए क्या नाम है इसका? इस दरख्त का नाम है टर्मिनेरिया ए उसका पंजाबी में नाम बोतल बुरुश बोतल बुरुश इसपे फूल भी लगते हैं ना सर हाँ जी इसके फूल लगते हैं लाल फूल आते हैं इसमें सर ये जो दरख्त हम देख रहे हैं ये तो बहुत देखा जाता है ये पंजाब में इसका पंजाबी में नाम है टाली और हिंदी में इसको शीशम बोलते हैं ये इसका जोड़ी लकड़ी है ये फर्नीचर के बहुत बढ़िया काम आती है जी हाँ जो फर्नीचर हम देखते हैं इसका फर्नीचर बढ़िया बनता है जी। हाँ जी इसका फर्नीचर बहुत ही बढ़िया बनता है सर आप पौधे लगाते हैं तो आपको हमने देखा है कि आपके स्कूल में तकरीबन तो अस्सी तरह के पौधे हैं पेड़ पौधे हैं बड़े पेड़ भी हैं छोटे भी हैं तो ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਤੇ ਹੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਰਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਲਦਾਰ ਔਰ ਸਜਾਵਟੀ ਪੌਦੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੈਂਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਏ ਆ ਇਹ ਪੌਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਰਸਰੀਆਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰਚੇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪਲੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਸਰ ਇਹ ਕੈਕਟਸ ਲਗਾਇਆ ਜੀ हाँ जी ये कैक्टस के ने तीन चार किस्म किया ने आपके पास तीन चार तरह का कैक्टस है हाँ जी हाँ जी तीन चार तरह का कैक्टस है कुछ पौधे जड़े आ गमले में लगे हैं कुछ वैसे लगे हैं कैक्टस के सर आपको इनकी बहुत देखभाल करनी पड़ती होगी हाँ जी हाँ जी देखभाल तो बहुत करनी पड़ती है समय समय से पानी का और खादा का और स्प्रे का ध्यान रखना पड़ता है सभी पौधों का सर इस गमले में हमें बहुत अच्छे फूल दिख रहे हैं इस पौधे का हमारे व्यूवर्स को नाम बताइए आप इसका कैशियन और इसको जडूफा भी बोल देते हैं जडूफा नाम का ये पौधा है हाँ जी ये सर पाम क्या कई वरायटीज़ ने पाम जड़े आ पाँच छः वरायटी का हमारे पास है तागा पाम है चेन्ना पाम है ऐसे जड़े बोतल पाम है ये तीन चार वरायटी का जड़ा अरिका पाम है ये हमारे पास गमलों में लगा है कुछ जमीन में जी दी, बोतल पाम की जी प्लान हुई पौधे तो बहुत बड़े भी पच्ची पच्चीस फुट के हैं हमारा कुछ क्वेश्चन आपने ही अपने आप ही हल कर दिए क्यों आगे हमारा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप लेके आते हैं तो आप इन पौधों के बारे में आप बता रहे थे कि कुछ मेडिसन से मेडिसन से रिलेटेड हैं तो क्या उनका उपयोग भी गाँव के लोग जहाँ आपके आस वाले लोग मेडिसन के लिए उनका प्रयोग करते हैं ਕਈ ਵਰਾ ਕਈ ਲੋਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ অ্যালোਵੇਰਾ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਪੱਥਰ ਚਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਈ ਵਰਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਆਪ ਹੁਣ ਸੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਤੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਤੋਂ ਹਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੋਂ ਕੋਈ ਜਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜੇਗੀ ਹਮ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆਏਗੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਾਂਗੇ ਹਮਾਰੇ ਵ ये तो पता चल ही गया होगा इस इस पेड़ को इस पौधे को देखते हुए कि ये नींबू लगे हुए हैं इस पर ये देखिए इसको पहचानने की ज़रूरत ही नहीं है ये अनार लगे हुए हैं सर आप जब हम बातों से पता चलता है कि आप लेके आते हैं नर्सरी से ख़रीद कर तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती होगी ਹਾਂਜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਪੌਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾਬਤੀ ਪੌਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਲਾਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਾਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣੀ ਸੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ये पौधा जड़ा है ये मोर पंखी किस्म के जो है यूनिफार्स इसका नाम है इस पौधे का नाम यूनिफार्स ये पौधा ये पाम ए, पाम ही है एक किस्म का ये मोरपंखी का पौधा है सर जो मोरपंखी है इसको आपके पंजाब में एक और नाम भी दिया जाता है विद्या पढ़ाई जी हाँ जी हाँ जी एजुकेशन रिलेटेड भी बच्चे इसको जीडी आप बुक्स में जड़ी रखते हैं ये पौधा कैजोरिना का है इसकी कटाई करके बहुत बढ़िया और ना ही ये जोड़ा है बोतल पाम का बड़ा दरख्त है ये बोतल पाम है ये कैजोरिना है ये अर्जुन का जड़ा है ये दरख्त है इसके जड़े आ ये मेडिसिन में भी काम बहुत काम आता है और इसकी छाव में जड़ी बहुत संघनी होंगी है छाँ के काम भी आता है और मेडिसन के काम भी आता है ये पौधा भी शाम वाला है और इसका नाम सतपत्ती इसको तो बोलते हैं सर ये जो हमें दरख दिख रहा है ये पौधा दिख रहा है तो सतपत्ती जैसा ही हमें ये लग रहा है तो ये ऐसे सूख क्यों गया है ये कोई इसमें ना पत्तों में जड़ी आ कोई बीमारी आ गई सी डिजीज आ गई सी मैं इसके जोड़े सी कोई डॉक्टर दिखाया भी सी पर ये जो पौधा है ये बहाल नहीं हो सकया ये सूख गया है संतोष साहब हम जो देख रहे थे कि यहां पे कुछ पौधे हमने ऐसे देखे हैं कि जो सिर्फ पहाड़ी एरियाज में या दूर दराड़े एरियाज में देखने को मिलते हैं तो आपने यहां पे पंजाब में आपके गांव फतेहपुर मणिया में वो उगा रखे हैं अपनी विदिक संस्था में उगा रखे हैं तो उनको पालने में उनको बड़ा करने में तो ज्यादा दिक्कत आती होगी हां जी नहीं कोई इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आउंदी क्योंकि इत्ते पंजाब दे बीच जड़ा हर तरह का मौसम अवेलेबल हैगा ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੌਦਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਹੈ ਹੀ ਖਾਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਲਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਉਵੇਂ ਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਯਹਾਂ ਪਰ शिमला मिर्च लगी हुई है बहुत से लोग इसे पहाड़ी मिर्च भी कहते हैं ये देखिए ये बैंगन का पौधा है सर उसके बाद फलों की बात आती है फल जो फलदार दरख्त हैं आपके पास तो कुछ ऐसे फलदार दरख्त हैं जो आपको फल दे चुके हैं आप उनके फल खा चुके हैं हाँ जी जिमें अमरूद है अनार वगैरह है आड़ू वगैरह साढ़े लग रहा है एक जिम्मे हूँ नीबू वगैरह ये काफ़ी लग रहे हैं ये पौधे जड़े ने ये फल सू दे रहे हैं और जामन है बाकी कुछ पौधे ने जो अजय प्लांट्स तैयार हो रहे हैं वो एक दो सालों के तैयार हो जाएंगे तो का लग रहा है। नहीं ये तो कपास का है, तो आपने का लगा है सर। हाँ जी ये विद्यक संस्था है इसमें मैं चाहता हूँ सारे सभी किस्म के जो पौधे हों और एक ट्रैल भी है इसको ना तो खादी है और ना ही कोई स्प्रे किया है और फिर भी बहुत बढ़िया जरा इसमें जो फल आ रहा है हाँ जी ये एलोवेरा का पौधा है ये पत्थर चट का पौधा है ये ग्लोए है ये मेडिसन सारे पौधे हैं ग्लो एलोवेरा पत्थर चट और ये कड़ी पत्ते का बूटा है ये सारे मेडिसन आ ये सारे प्लांट्स ने सारे और फ्रूट और जड़े आ छाव के आ और सजावटी जोड़े पौधे सभी तरह के पौधे जोड़े आ स्कूल में जोड़े आ लगाए हुए हैं सर ये कड़ी पत्ता आपने बताया कि मेडिसिन के काम आता है तो हमने तो बहुत बार देखा है कि जो लेडीज़ हैं वो अपने किचन में भी इसका प्रयोग करती हैं। हाँ जी किचन के एक तो खाने का जोड़ा स्वाद बधाने भी कम आता है दूसरा ये जे ने पौष्टिक आहार सारे जोड़े आ इस पाए जाते हैं इस करके जोड़ा पौधा बहुत ही वजी है मैडिसन और किचन वास्ते सा यह देखिए यहाँ पर लाल मिर्ची लगी हुई है इस पौधे पर यह अमरूद का पेड़ है संतोष साहब आपसे बातें करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो एक और एपिसोड हमारा देखना पसंद करेंगे तो हम एक बार फिर आपको तकलीफ देंगे एक बार फिर जो पौधे रहते हैं हम उन अपने व्यूवर्स को दिखाएंगे उनके बारे में बताएंगे आप हमें उनके बारे में आप बाद में हमें जानकारी दे सकते हैं जी हाँ जी ਐ ਬੰਸਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਦੇ ਚੈਨਲ ਅਨੁਰਾਗ ਬੰਸਲ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਆਓ ਵੈਲਕਮ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰੂਰ ਦਿਆਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਦਾ ਅਬ ਹਮ ਆਪਣੇ ਵੀਵਰਸ ਸੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਪੇੜ ਦਾ ਨਾਮ ਬਤਾਈਏ ਆਪ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਮੇ ਜਾਕਰ ਇਸ ਪੇੜ ਦਾ ਇਹ ਦੇਖੀਏ हम आपको नज़दीक से दिखा रहे हैं इसके बड़े बड़े पत्ते हैं इस दरख्त का नाम बताना है और एक दरख्त और दिखा रहे हैं व्यूवर्स आपने एक इस पौधे का नाम इस पेड़ का नाम बताना है आपको ये देखिए इसके पत्ते और आपको इसका नाम बताना है दोनों पेड़ों का दोनों पौधों का नाम आपने कमेंट बॉक्स में बताना है प्रताप सिंह संधू चेयरमैन श्री गुरु नानक देव एजुकेशनल सोसाइटी फ़तेहपुर मनिया इनसे हम बातचीत कर रहे थे और हमें ये आशा है कि आपको ये हमारा एपिसोड अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताएं हमें अगर कुछ अच्छा नहीं भी लगा तो भी हमें कमेंट अवश्य कीजिए आपके कमेंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं क्योंकि इन जो आपके कमेंट्स हैं इनसे ही हमें आगे अपने कार्यक्रम करने की प्रेरणा मिलती है तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में उतनी देर के लिए नमस्कार सत श्रीकाल